से 20 तोले सोना है, शादी का है, थोड़ा बहुत बाद में भी लिया है, 1 किलो चांदी भी है, ऐश भी था, मतलब 70-75 रुपये हैं हमारे पास, वो सारा कुछ गायब हो रहा है जी। तो जैसे आप बाहर गए किसी को बोल के गए थे? नहीं, मैं किसी को नहीं, हमारा एक्चुअली शाम को ही प्रोग्राम बना था पिछले रात को 9 बजे कि हम ऐसे ऐसे चल जाना है, तो सुबह हम 5 बजे निकल गए, हालांकि किसी को बराबर में भी किसी को भी नहीं पता था कि हम जा रहे हैं जी। तो कितने लोग लगे हुए थे बाहर से? बाहर से एक्चुअली 2 लोग लगे, एक ये वाला गेट था और एक बाहर था, इस वाला ये कमरे में भी लोग लगाया हुआ था और एक बाहर लोग लगाया हुआ था, बस इतने ही 4 लोग लगे हुए थे। सारे टूटे हुए मिले? हाँ जी। तो सूचना कब मिली, किसने दिया आपको? सुबह ऊपर रेंट पे लड़का रहता है, उसका फ़ोन आया 6:30 बजे, ऐसे ऐसे आपका ताला टूट रहा है, उसने वीडियो कॉल करके दिखाया है, सारा फैला हुआ है, बस उसी ने। आने के बाद लड़के से बात हुई आपकी? हाँ जी, आने के बाद हुई। गोविंद कॉलोनी निवासी हूँ, पिछले तकरीबन 50 साल से इसी मकान में रह रहे हैं। कल हम किसी काम से किसी रिश्तेदारी में ना शिमला गए थे, अपनी बुआ से मिलने, कल सुबह तकरीबन 5 बजे। जैसे जाते ही हैं रोज़ अपनी डेली रूटीन में कहीं भी, लेकिन आज सुबह 17 तारीख को 6:30 बजे मुझे मेरे किराएदार से, ऊपर किराए पे रहते हैं एक लड़का, उससे सूचना मिली कि आपके ताले टूटे हुए हैं। तो ताले टूटे, फिर घबराहट में, फिर पड़ोस भी आए, परिवारजन भी आए और मिलने वाले, तो देखा सारा घर में अच्छी चोरी हुई थी, सारा सामान बिखरा हुआ था अलमारियों में, और चोरी अच्छे लेवल की चोरी है। टीम आ गई थी सुबह, पुलिस फॉरेंसिक टीम भी आ गई थी, और मैं सुबह ही चल दिया था तकरीबन 8:30-8 बजे शिमला से जी। तो तकरीबन 1:30 बजे मैं पहुँचा हूँ, तो देखा सारा घर में काफ़ी लंबी बड़ी चोरी है, शहर के बीचों बीच का एरिया है, पोश एरिया है, उस गेट भी बंद हो जाते हैं रात को पूरे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी गलत काम है जी। क्या क्या सामान चोरी हुआ, मतलब कितनी नकदी और कितनी जेवरात चोरी हुए हैं? तकरीबन ऊपर और नीचे का तकरीबन 1 लाख रुपए की नकदी है, और तकरीबन 15 से 16 तोले तो इतना एस्टीमेट है सोने का, चांदी भी है। अच्छा जी। तकरीबन 15 से 20 के करीब का सोना है, चांदी है 1 किलो के करीब, 1.25 लाख रुपए नकदी है। अच्छा। तकरीबन आज का अगर एस्टीमेट लगाए जाए इस सोने के रेट का, तो 10-15 के करीब की बनता है ये सामान। इसके अलावा भी कुछ सामान है? सामान और सब बिखरा है जी सामान, बाकी कुछ नहीं छेड़ा उन्होंने, मतलब बिखरा गए हैं सारा सामान, कपड़े अलमारियां सारी खोल खोल के, तकरीबन ऐसा लगता है सबने जो देखा है कि 3 से 4 घंटे उन्होंने सारा ऑपरेशन करा है पूरे मकान में। हर कमरे का ऑपरेशन है, हर पूजा रूम तक का भी ऑपरेशन है, सब अलमारियों का ऑपरेशन, बच्चों के गुल्लक तक तोड़ के। तो कोई CCTV भी मिली है आपने जैसे? अभी तक ऐसी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस, अभी आई थी। नहीं, कोई CCTV में देखा हुआ आपने, चेक किया? नहीं, अभी मैंने अभी नहीं चेक किया। नहीं, सारे कमरों का यही हाल है? सारे कमरों का यही। नहीं, शक कुछ नहीं है जी। अभी पुलिस आई? पुलिस आ चुकी है, बयान लिख चुके हैं, रिपोर्ट जा चुकी है। ठीक है। आप जी, तो आप इनकी वाइफ हैं? हाँ जी। तो जैसे जेवरात वगैरह क्या कुछ? लगभग 15 से 20 तोले सोना है, शादी का है, थोड़ा बहुत बाद में भी लिया है, 1 किलो चांदी भी है, ऐश भी था, मतलब 70-75 रुपये हैं हमारे पास, वो सारा कुछ गायब हो रहा है जी। तो जैसे आप बाहर गए किसी को बोल के गए थे? नहीं, मैं किसी को नहीं, हमारा एक्चुअली शाम को ही प्रोग्राम बना था पिछले रात को 9 बजे कि हम ऐसे ऐसे चल जाना है, तो सुबह हम 5 बजे निकल गए, हालांकि किसी को बराबर में भी किसी को भी नहीं पता था कि हम जा रहे हैं जी। तो कितने लोग लगे हुए थे बाहर से? बाहर से एक्चुअली 2 लोग लगे, एक ये वाला गेट था और एक बाहर था, इस वाला ये कमरे में भी लोग लगाया हुआ था और एक बाहर लोग लगाया हुआ था, बस इतने ही 4 लोग लगे हुए थे। सारे टूटे हुए मिले? हाँ जी। तो सूचना कब मिली, किसने दिया आपको? सुबह ऊपर रेंट लड़का रहता है, उसका फ़ोन आया 6:30 बजे, ऐसे ऐसे आपका ताला टूट रहा है, उसने वीडियो कॉल करके दिखाया है, सारा फैला हुआ है, बस उसी ने। आने के बाद लड़के से बात हुई आपकी? हाँ जी, आने के बाद हुई। साथी है वो? बस आपके जरिए के थ्रू बस यही मेरी तो उम्मीद है कि मेरा सामान वापस आ जाए, बस जो भी मेरा चोरी हुआ है मेरा सामान मुझे मिल जाए, जो भी है अपने मेहनत से जोड़ा जाता है जी। तो काम क्या करते हो आप? जॉब भी प्राइवेट सेक्टर, किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पे रहता हूँ। तो कब आपने देखा कि जैसे मैं सुबह 7 बजे यहाँ पर आया, तो मैंने अंकल के पास चाबी थी यहाँ के घर की, वो चाबी ली और जब खोला तो बैग गिरी हुई थी, उसके बाद इधर मेरा ध्यान गया तो गेट खुले हुए थे, फिर मैंने बाहर आंटी को आवाज़ लगाई, फिर अंदर दिखवाया, उसमें सारा सामान फैला हुआ था। फिर भैया को मकान मालिक जो है उनको फ़ोन किया, और भैया ने फ्रेंड है इनके उनको फ़ोन किया, फिर पुलिस वगैरह आई।
रात को कोई नहीं था मकान में, आप भी नहीं थे? नहीं, मैं तो बाहर जा रहा था, मैं यूपी रहता हूँ। अच्छा, यूपी रहता हूँ। हाँ जी। तो कितने बजे आए थे आप, कितने बजे देखा था? सुबह 7 बजे बताया। सुबह 7? हाँ जी। रात की घटना है ये रात की होगी घटना जहाँ तक। आप कितने दिन से गए हुए थे? मेरे को हफ्ता हो गया, बुधवार को गया था पिछले। आपका क्या कुछ सामान चोरी है जैसे? मेरी अंगूठी थी और कुछ कैश गया। अच्छा, अकेले रहते हैं परिवार के साथ? नहीं, अकेला रहता हूँ।